बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मटन कढ़ाई बनाने का तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। सबसे पहले हम लेंगे मटन, ये 1 kg है और मिक्स है, यानी चाम भी है और मुख्तलिफ हिस्सों का ये गोश्त है। लेकिन अब मैं जो, कुछ लोग जो हैं वो प्रेशर कुकर में इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं जो, मेरा अपना एक तरीका है, मैं गोश्त को धो के बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, खुला पानी डाल देती हूँ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है। साथ में उसमें प्याज जो है वो ज़्यादा सारा डाल देती हूँ, इससे आपकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है और पक जाता है, वो बिल्कुल घुल जाता है। ये मैंने अब बॉयल करके रखा हुआ है मटन, ये आपके सामने। अब ये मैंने तकरीबन हाफ पाव जो है ये दही लिया है, टमाटर एक दरमियाना लिया है, ये जिंजर और गार्लिक लिया है, सब्ज मिर्च है, ये भी आप अपनी मर्जी के तहत जो है ना ये कर सकते हैं कि कितनी डालनी है आपने। ये साथ मैंने कुछ कटिंग करके रखी है, ये गार्निश में इस्तेमाल होगी, क्योंकि प्याज मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा प्याज लूंगी। मैंने एक बिल्कुल छोटा एक प्याज है वो कटिंग करके रखा है, साथ मैंने लेमन रखे हैं, ये कुछ जो है वो कढ़ाई में डलेंगे, कुछ एंड पे हम गार्निश में हमारे काम आएंगे। अब ये देखें, ये मैंने मसाला जो है ये कूट के रखा है, इसमें मैंने जो है अदरक, लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा जो है इनको यानी अच्छे से कूट लिया है, तो हमारे पास ये देखें ये पेस्ट आ गया है। कुटी हुई मिर्च जो है वो आपके खाने को बिल्कुल चेंज कर देती है। बाकी जब इंशाल्लाह हम अभी पकाएंगे तो आपके सामने मैं बाकी मसाला जात भी, नमक मिर्च भी डाल दूंगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह। ये सबसे पहले अब मैं इसमें ऑयल जो है ना वो ऐड करूंगी कढ़ाई में, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली चीज़ें भी आपको बीमार कर देती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बस इतना सा लिया है कि एक तो ये जब आप ऑयल दरमियाना इस्तेमाल करते हैं भूनने में भी आसानी रहती है और खाते वक्त भी आपको एक अच्छा जायका महसूस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल कर देंगे तो आपको जो है सिर्फ ऑयल ही ऑयल जो है वो सालन पर नज़र आएगा। ये ऑयल जो है हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, हमने इसमें ऑनियन जो है जो कटिंग करके रखा हुआ है वो ऐड कर देना है। आज जो है मैंने हल्की रखी है, एक तो नॉनस्टिक बर्तन इससे खराब नहीं होते, दूसरा ये है कि आपके जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पतीली है, चाहे कोई स्पेशल किस्म का पैन है या कढ़ाई है, उसके किनारे खराब नहीं होते, हमेशा हल्की आंच पे खाने को पकाएं। ये अब आपके सामने मैंने प्याज जो है वो डाल दिया है, मैंने इसको ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा फ्राई कर लेना है, साथ मैंने इसमें गोश्त जो है वो मटन वो ऐड कर लेना है। ये मैंने साथ ही इसलिए ऐड कर दिया है कि जब हल्का सा फ्राई हो जाता है आपका प्याज तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं इसमें नमक मिर्च आपके सामने ऐड करूंगी ताकि इसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाए, ये नहीं कि मीट का जो है वो जायका एक अलग से महसूस हो नमक मिर्च, जब आप साथ ही इसको ऐड करेंगे तो जो गोश्त जब आप खाएंगे तो इसके अंदर तक आपको महसूस। मैंने पीसी हुई सूख मिर्च है इसमें ऐड कर रही, आप अपने जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्योंकि मैं जो है टेस्ट पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी। ये मैंने तकरीबन ये देखें बिल्कुल छोटा चम्मच है, मैंने 5 ऐड किए हैं। नमक जो है वो तकरीबन मैं
ये देखिए ना ज्यादा भरा हुआ ना कम, एक। और ये पौना कर लें या ये देखें हाफ कर लें। नमक जो है वो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये कम करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। हाफ चम्मच आपने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और ये थोड़ा सा मैंने एक चम्मच कुटा हुआ धनिया है ये ऐड कर लिया। अब इसमें मैं जो हम पहले से मसाला बना चुके हैं जिसमें जिंजर गार्लिक और कुटी हुई लाल मिर्च जो है और जीरा कुटा हुआ वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये देखिए ये तकरीबन बड़ा चम्मच मैंने खाने वाला तेल डाला है, और ये देखें इसको अब मैं भूनूंगी। इसको इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मीट में जो है अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इस तरह सारे गोश्त को ऊपर नीचे कर लें ताकि सब में मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अब ये हमारा गोश्त समझे कि एक ये एक तो पहले से बॉइल है इस पे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, दूसरा ये है कि जो मैंने बॉइल करते वक्त हमारी यखनी जो है स्टॉक बच गई है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ताकि वो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। आप ग्रेवी के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी हमने। अब ये देखिए अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए जो मैंने कटिंग करके रखे थे ताकि वो भी साथ ही पक जाए। खड़े खड़े टमाटर जो हैं वो अच्छे नहीं लगते कढ़ाई में, आप आहिस्ता आहिस्ता इनको भूनते रहें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें जरा फील करें इसको इस खुशबू को ताकि आपका भी दिल करे ये बनाएं खाएं एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। ये देखें जो आधा पाव हमने दही लिया था ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन जो हैं इसमें बिल्कुल जो है मसाला भी जज़ब हो चुका है, टमाटर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, प्याज भी नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसको भून लिया है हल्की आंच पे बिल्कुल, या मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही जो है ये पानी छोड़ता है, इसलिए जो जब ये पानी छोड़ता है तो इसमें भी जो गोश्त जो है वो पक जाता है, अगर कोई आपकी कमी पेशी रह जाती है तो इसलिए पानी भूनते हुए आप पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते रहें ताकि वो साथ ही ड्राई होते जाए। ये मैंने अब देखे दही डाल दिया है, दही अपना पानी भी छोड़ेगा। ये देखें जो हमने दही डाला है तो हम इसको ढाँप देंगे किसी का दम दे देंगे ताकि ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देखें अब दही का पानी जो है खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ये देखें हरी मिर्च जो है मैंने दरमियानी ली है और इनको दरमियान से कटिंग कर लिया, ये देखें, और ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें। अब जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है वो मैंने इसका स्टॉक जो यखनी बची थी बॉयल करते वक्त वही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें ये मैंने इसकी जो स्टॉक है यखनी की बची वो इसमें ऐड कर दिया, आप देख रहे हैं ये मैंने क्योंकि बॉईल करते वक्त इसके साथ ही प्याज डाल दिया था तो ये देखें ये गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर सा बन गया है। अब मैं इसमें इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूंगी। ये हम इसको ढाँप देते हैं, आपने जितनी आपको ग्रेवी जो है रिक्वायर है आपने उतनी ही रखनी है अपनी मर्जी से, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो।
ये देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। क्योंकि ये मटन कढ़ाई है, मैंने इसको कढ़ाई में ही रहने दिया है। बाज लोग तैयार करके इसी तरह कढ़ाई, वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, मिट्टी की कढ़ाई में या वो बड़ा सा एक बाउल होता है उसमें। तो ये देखें अब हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मैंने लेमन और जो कटिंग करके मैंने ग्रीन चिली रखी थी उससे मैंने इसकी गार्निश कर दी है। देख लें आप, ग्रेवी भी देख रहे हैं और देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप महसूस करें इसकी खुशबू, फील करें, यकीन करें, बहुत मज़े की है। मैंने चख के अभी देखी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।